ये टावर 9 है, ये टावर 7 है, उधर टावर 6 है, वो बिल्डिंग जो है, सारे ऑफिसेज हैं, इधर बिल्डिंग्स हैं। हाय एवरीवन, आज मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से ऑफिस जा रहा हूँ। आज सेकंड जन है, तो आज ऑफिस वालों ने ऑफिस बुलाया था एक जस्ट मीटअप के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑफिस वालों ने इसलिए आज एक जस्ट मीटअप के लिए बुलाया। और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव एक्सेंचर, तो चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद ऑफिस जा रहा हूँ मैं। लगभग बीच में एक बार गया था 6-7 महीने पहले, जब फिर से पार्टी हुई थी, तो आज एक फिर से पार्टी है और ऑफिस में एक मीटअप है। मैंने आज से लगभग 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जब मैं ऑफिस गया था एक्सेंचर, तो ये मैं उसका थंबनेल डाल दूंगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी, इस पे देखो व्यूज़ आए थे, 40,000 के आसपास व्यूज़ आ गए हैं। तो फिर से मैंने सोचा एक वीडियो और बनाता हूँ, मैं एक्सेंचर जाता हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है इस वीडियो पर रिस्पॉन्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, नीचे मैं सबके आंसर करूँगा। और अभी चलते हैं ऑफिस, तो दिखाते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं लोग वर्क फ्रॉम होम को, और वर्क फ्रॉम में अब जब से 3 साल से वर्क फ्रॉम स्टार्ट हुआ, मैं 3 बार ही ऑफिस गया हूँ एक्सटेंशन, तो ठीक चल रहा है मेरे लिए, तो वर्क फ्रॉम होम मुझे ठीक लगता है। और बाकी ऑफिस जाके मिलते हैं। हाय एवरीवन, तो अभी मैं हूँ महिपालपुर के आसपास और गुड़गांव जा रहा हूँ। गुड़गांव में सेक्टर 21 में मेरा ऑफिस है, जो कि एक्सेंचर, एंड काफ़ी टाइम बाद ऑफिस जा रहा हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें अभी ऑफिस नहीं खुला है, मतलब उसके लिए अभी आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभी जो गुड़गांव लोकेशन के जितना भी लोग हैं हमारी ऑफिस से, जैसे पुणे लोकेशन है, बेंगलोर लोकेशन है, मुंबई लोकेशन है, ऐसे हर लोकेशन के लिए जो है पार्टी टाइप हो रही है, मीटअप हो रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी लोग हैं गुड़गांव लोकेशन पे, तो सबका बुलाया गया आज, और एक मीटअप होगा और एक पार्टी होगी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ठीक है कि वर्क फ्रॉम होम में बहुत टाइम मिल जाता है, सुबह जो ट्रैवलिंग टाइम है 1 घंटे का, रात को ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है, और जो बीच का टाइम होता है जब काम के बीच में, तो बहुत टाइम मिल जाता है। और अभी मैं दिल्ली क्रॉस करके गुड़गांव में एंटर होने वाला हूँ, और देखो भाई कितना कोहरा है, कोहरा है ये धुंध है, पता नहीं क्या है ये। भाई लेफ्ट में लीला होटल और MBS मॉल है, और सामने ये नई बिल्डिंग बनी है, और मैं गुड़गांव में एंटर हो चुका हूँ। तो भाई आगे हम आगे सेक्टर 21, सेक्टर 21 में कैंडोर टेक स्पेस है, ये पूरा जो है कैंडोर टेक स्पेस है, और सेक्टर 21 में है ये। कापासेडा विलेज से जस्ट आगे है ये कैंडोर टेक स्पेस, जिसमें एक्सेंचर और बहुत सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिस है। सबसे ज़्यादा ऑफिस जो है और बिल्डिंग जो है एक्सेंचर के इधर। और भाई जस्ट अभी ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ, अभी जस्ट गेट पे था। अभी ये देखो इधर टावर 3 है, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, टावर 3A 3B। कैब्स आती थी, जो कैब्स और टीटी आती थी, शटल टीटी, वो भी यहीं से आती थी। ये देखो ये जो है टावर 1 है, इधर जो दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा है विजिटर पार्किंग, जो इधर विजिटर जो आते हैं वो पार्क कर सकते हैं। कैब्स वगैरह के लिए नीचे पूरा बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट में कैब आती है। एक इधर बिल्डिंग है, अब तो वैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो यहीं पर पार्किंग हो सकती है। और ये देखो टावर 2 इधर से हो जाता है, सेकंड टावर है। तो यार जस्ट अभी पहुंचा हूँ एक्सेंचर अपने बिल्डिंग में, अभी एंट्री हुई, यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगाई है, और ठीक सामने मुझे अपनी बिल्डिंग दिख रही है, टावर 7, जहाँ पे मुझे जाना है। और ये देखो टावर 7 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे जाना है,
और एक बिल्डिंग यहाँ पर है एक्सेंचर, जिस पर लिखा है टावर 9 है, जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। यार मोस्टली प्रोजेक्ट्स में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए ये पूरा कैंपस खाली खाली दिख रहा है आपको। और ये राइट साइड में ये बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग है, यहीं से हमें ये कैब मिलती है हमारी। और मुझे खुद इतना खाली खाली देख के सब अजीब लग रहा था। ये टावर 9 है भाई। और ऑफिस के अंदर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अंदर कम ही शूट किया। और ये ब्रेकआउट एरिया है जहाँ हम छोटे मोटे चाय कॉफ़ी के ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे वेंडिंग मशीन से कॉफ़ी और चाय के लिए और पानी वगैरह पीने के लिए, और यहाँ पर बैठ के हम छोटे मोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। भाई ये जो टावर 9 है, यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था इसमें ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे। और सामने वो एक कंपनी है जो है सेक्सो ग्रुप का भी ऑफिस है, इधर ही है वो। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज के ऑफिस है, सेपियंट का ऑफिस है, RBS का ऑफिस है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। काफ़ी बड़ा कैंपस है। थोड़ा मैं एक राउंड मार के आता हूँ आप लोगों को, राउंड मार के पूरा दिखाऊंगा पूरे कैंपस के बारे में। इस पूरे कैंपस को कैंडो टेक स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे कल्चरल इवेंट्स और प्रोग्राम होते रहते हैं किसी फेस्टिवल्स वगैरह पे। कैंडो टेक स्पेस में स्टारबक्स कॉफ़ी, लेंसकार्ट, मैकडी, बर्गर किंग, वाओ मोमोज और दूसरे ब्रांड्स के आउटलेट्स और स्टोर्स भी हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। और ये राइट वाली बिल्डिंग में या सामने वाली बिल्डिंग में सेपियंट का ऑफिस भी है। कोविड की वजह से जो वर्क फ्रॉम शुरू हुआ है उसकी वजह से पूरा कैंपस खाली हो गया, नहीं तो पूरा ही भरा रहता था। काफ़ी कंपनीज के ऑफिस है, RBS, सेपियंट और भी सेक्सो ग्रुप और दो चार कंपनियों के ऑफिस है, सब खाली हो चुका है। एक्सेंचर कंपनी की एक बड़ी अच्छी बात है, एक्सेंचर ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज़ को कैब प्रोवाइड कराती है और भी दूसरी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है एक्सेंचर कंपनी आपको। ये देखो यार, यहाँ पे वाओ मोमोज को, वाओ मोमोज है, मैकडी है, जैक ब्रदर्स है, नीचे पूरा फूड कोर्ट है, सारे ऑफिसेज हैं इधर, बिल्डिंग्स हैं। भाई जितना मैं शूट कर पाऊंगा उतना मैं शूट करूंगा, बाकी जो अंदर का है जितना मैं दिखा पाऊंगा उतना दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकी यही कैंपस है। और यार कैंडो टेक स्पेस में आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि आपको काम करने में मज़ा भी आता है और आपका ऑफिस आने का ही मन करता है, तो बड़ा अच्छा एरिया ये। ज़्यादातर बिल्डिंग्स और फ्लोर्स में ज़्यादातर ऑफिस एक्सेंचर के ही हैं यहाँ पे। ये 24/7 का आउटलेट है और अपोलो फार्मेसी का भी आउटलेट है यहाँ पे। और अभी तो ऑफिस खाली पड़े हैं, नहीं तो लंच करने के बाद ज़्यादातर लोग नीचे यहाँ पे राउंड लगाने आते हैं। भाई वो कोविड की वजह से जो है पूरा कैंपस खाली हो गया, नहीं तो पूरा भरा भरा रहता था। और अभी तो कैंपस पूरा खाली है तो अजीब सा लग रहा है काफ़ी। ये टावर 9 है, ये टावर 7 है, उधर टावर 6 है, वो बिल्डिंग जो है। हाँ ये मेरी गाड़ी खड़ी है भाई। ये यार पूरा कैंपस एक्सेंचर का, जो कि एक एंडआउट टेक स्पेस, ये है सेक्टर 21 में गुड़गांव और कापासेड़ा विलेज के पास है।
और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज के ऑफिस है, बट जितनी सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर एक्सेंचर की ही है। तो अलग अलग टावर्स हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 9 तक करके हैं, टावर 10 भी है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना शूट कर पाऊँगा, अंदर भी बाहर भी। और जितना अंदर तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, जितना भी बाहर शूट कर पाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। और शाम को एक पार्टी होगी जो कि होगी सेक्टर 29 में। भाई लोगों, इवेंट हो गया, तो आज का इवेंट जो है कंप्लीट हो गया है। बड़ा लंबा दिन था, काफ़ी सारे इवेंट हुए, फंक्शन हुए छोटे मोटे, उसके बाद अभी जाके हम फ्री हैं। आज का इवेंट अब जाके कंप्लीट हुआ है। अभी हम घर निकल रहे हैं।